अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। दवाम, दवाम यानी काम। सऊदी अरब में अगर आप किसी से कहना है काम बाकी है तो आप बोल सकते हैं दवाम लिस्सा। क्या बोल सकते हैं? दवाम लिस्सा। या तो सऊदीया में आपको किसी से कहना है क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है तो आप बोल सकते हैं इंतखल्लस दवाम। दवामी, दवामी यानी मेरा काम। इससे पहले आपने दवाम शब्द को देखा, दवाम शब्द का मतलब होता है बस काम, और दवामी का मतलब होता है मेरा काम। वैसे तो सऊदीया में काम को सुगुल या तो मिसवार शब्द कहा जाता है, इस शब्द से इस्तेमाल करके लोग अपना काम चलाते हैं, लेकिन ये जो दवामी शब्द है ये किसी और में काम आता है। जैसे कि आपका कोई जॉब है तो जॉब को यहाँ दवामी अरबी में कहा जाता है। एक तरीके से इसको मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे कि आपका कोई काम है, आप जैसे ड्राइवर हैं या कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो अगर आपसे किसी ने पूछा तुम्हारा काम क्या है यानी तुम्हारा जॉब क्या है, तो ये दवामी शब्द वहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको कहना है कि मेरा जॉब ड्राइवर का है तो आप बोल सकते हैं दवामी सवाक, यानी कि मेरा ड्राइवर का काम है। या तो आप बकाले पर काम करते हैं या तो आप मतम पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आप दवामी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं दवामी बकाला या तो दवामी मतम। मामिन, मामिन यानी किसके साथ। अगर आपको सऊदी अरब में किसी से कहना है किसके साथ तो वहाँ पर आप मामिन का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि अक्सर मेरे वीडियो देखने वाले लोग सोचते होंगे कि मैंने इसमें उर्दू और अरबी को क्यों नहीं लिखा, तो उसका कारण यह है कि ज़्यादातर इंडिया के रहने वाले लोग उर्दू या अरबी ज़्यादातर लोग नहीं जानते, मगर हिंदी ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर लिखा है। और यही कारण है कि लिखने के साथ साथ मैं बोल भी देता हूँ कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ना नहीं आता तो सुनकर उनको समझ में आ जाए। मातहतम, मातहतम का मतलब होता है कि लापरवाह। जैसे अगर आपको किसी से कहना है कि तुम लापरवाह हो तो आप बोल सकते हो इंत मातहतम। और ये शब्द कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कोई भी सऊदी हो, चाहे वो आपका कफिल हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको कहना है कि तुम लापरवाह हो तो वहाँ पर मातहतम शब्द का इस्तेमाल होगा। अहतम, अहतम यानी लापरवाह नहीं। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि मैं लापरवाह नहीं हूँ तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं अना अहतम। इससे पहले आपने मातहतम शब्द को देखा, मातहतम शब्द का मतलब होता है तुम लापरवाह हो, और अहतम शब्द का मतलब होता है कि मैं लापरवाह नहीं हूँ। एक बात आपको और बताता चलूँ कि अहतम शब्द का इस्तेमाल कब होता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे थे और काम करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो वहाँ पर आपका कफिल आपसे बोल सकता है इंतमा तहतम, यानी कि तुम लापरवाह हो, तो आप जवाब में बोल सकते हैं ला अना अहतम, यानी कि मैं लापरवाह नहीं हूँ। मिन, मिन यानी कौन। जैसे कि आपको पता नहीं है कि पीछे कौन बैठा है या दरवाजे के पीछे कौन है तो आप वहाँ पर मिन शब्द का इस्तेमाल लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं इंत मिन, यानी तुम कौन हो। और मिन शब्द का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। जैसे कि आपके कफिल ने आपसे बोला कि चले जाओ मतम पर तो आप बोल सकते हैं मिन मतम, यानी कौन सा मतम। या तो आपके कफिल ने बोला कि चले जाओ बकाले पर तो आप कह सकते हैं मिन बकाला, यानी
कौन सा बकाला। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको कौन शब्द का इस्तेमाल करना है, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो, तो वहाँ पर मिन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक वीडियो ले करके इस चैनल पर आता रहता हूँ।